झोंका गिरा रे इन कोरोना टाइम्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीनू और आप देख रहे हैं वीनूज वे। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना साड़ी कलेक्शन, जो कि आप लोगों ने ही मुझे बताया था। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको मेरा साड़ी कलेक्शन देखना है या फिर आपको मेरा प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी सुनना है। तो काफी सारे लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने बोला था कि मेरा साड़ी कलेक्शन वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई फैशन एक्सपर्ट हूँ जिसको सारे कपड़ों की नॉलेज है, सारे काम की नॉलेज है, जरी है, सिल्क है, ये जो भी है, मुझे इन सब की ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो दिखने में मुझे अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से मैं वो ले लेती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। तो बस इसीलिए वीडियो देखिएगा, इसमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई हॉल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल स्वीट सा वीडियो है, जस्ट अ शेयरिंग वीडियो। तो मेरे पास काफी 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 सारी साड़ियां हैं और ये साड़ी मैंने पिछले 7 सालों में ही जो है कलेक्ट की हैं। शादी क्योंकि मेरी 7 साल पहले हुई थी, तो तब से लेके मैंने साड़ियां कलेक्ट करनी शुरू की है। मैं आज कुछ साड़ियां आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर सारी ऑल द साड़ीज अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो सिर्फ वो साड़ियां मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है या फिर उसको लेने के पीछे कोई स्टोरी है। ओके, तो जो सबसे पहली साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये साड़ी। ये एक पाउडर ब्लू साड़ी है, इसका कपड़ा आई डोंट नो क्या है, थोड़ा चमकने वाला है, बट ये सैटन तो नहीं है, बट आई डोंट नो ये कपड़ा कौन सा है, बट बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। और ये मेरी नानी की साड़ी है। एक्चुअली व्हेन शी पास्ड अवे तो उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे उनकी 2 साड़ियाँ दी थी रखने के लिए। मेरी मॉम इज ऑल्सो बिग कलेक्टर ऑफ साड़ीज एंड शॉल्स, तो हो सकता है किसी दिन उनका भी कलेक्शन दिखाऊंगी अगर वो यू नो मानेंगी। तो ये साड़ी मेरी नानी की है, इट्स अ प्लेन पाउडर ब्लू साड़ी, वेरी प्रिटी। मैंने अभी तक नहीं पहनी है, बट आई एम प्लानिंग कि अगली बार जब मौका मिलेगा तो इसे मैचिंग ब्लाउज या कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज सिलवा के ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी मुझे लगती है, बहुत क्लासी सी है, बहुत एलिगेंट सी है। सो या जो मेरी नानी की है, जो मेरी मॉम ने मुझे दी थी, वो ये है। इट्स अ वेरी प्रिटी, आई थिंक दिस इज सिल्क, सिल्क के ऊपर ये काम है। ये दोनों साड़ियाँ मेरी नानी ने पहनी हुई हैं, लेकिन यू नो इसके साथ मेरी बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, स्पेशली ये वाली साड़ी के साथ, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी बार ये साड़ी पहने हुए देखा है। इनफैक्ट जब मैं उनको याद करती हूँ तो इसी साड़ी में शायद वो मुझे दिखती हैं। और ये वाली साड़ी भी बहुत ही सुंदर है, आई डोंट रिमेम्बर मैंने उनको ये पहने हुए देखा हो, शायद कोई शादी वादी में पहना हो तो, बट ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। और इसके ऊपर जो ये काम है, ये थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो नेक्स्ट साड़ी मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी दादी की साड़ी है, वो भी मेरी मॉम ने मुझे दी थी रखने के लिए। आई थिंक यू नो मुझे लगता है ऐसा कि काफ़ी बारी कपड़ों के साथ काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे पास मेरी नानी की साड़ी है, मेरी दादी की साड़ी है, आई थिंक मेरी मॉम की साड़ी भी होगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सो या ये है एक साड़ी, इट इज़ अ वेरी 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 प्रिटी एंड वेरी एलिगेंट क्लासी साड़ी। दिस इज सिल्क और सिल्क के ऊपर जरी का काम है, साउथ चिक की से ऐसी साड़ियाँ होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पैरेट ग्रीन एंड रेड कलर की साड़ी है। ये मैंने एक बार पहनी है, अपने फ्रेंड की शादी में मैंने पहनी थी। और इसका जो बॉर्डर है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं फुल ऑन जरी वर्क है इसमें, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाला। और ये जैसे साउथ इंडियन साड़ीज होती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है जिनमें जरी वर्क होता है। तो या ये कुछ इस तरीके से है, वेरी प्रिटी साड़ी। और काफ़ी सारी पुरानी, काफ़ी साल पुरानी साड़ियाँ हैं ये जो मैं आपको नानी और दादी की अपनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। और संभालने से याद आया कि कुछ इस तरीके के मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेजोन से कवर्स, साड़ी कवर्स। एक तो ये है जिसमें बड़ी वाली, बड़ा वाला है, इसमें काफ़ी सारी साड़ीज आ जाती है। और एक ये है
छोटा वाला जो सिंगल सिंगल पीसेस होते हैं साड़ी के लिए, तो अगर आपको लेना है या फिर स्टोर करने के लिए आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। और क्योंकि सिल्क और जैसे साउथ इंडियन साड़ीज़ की बात चल रही है तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये साड़ियाँ मैंने अभी तक पहनी नहीं है, बट ये बहुत ही प्रिटी गोल्ड डबल शेड की साड़ी है। अगर आप देखें तो इसमें छोटा सा एक बॉर्डर भी दिया हुआ है जरी वर्क का, और ऑल ओवर ये इस तरीके का प्रिंट है इसमें, और बहुत ही सुंदर गोल्डन साड़ी है ये। मैंने अभी तक नहीं पहनी है, मुझे गिफ्ट मिला था आई थिंक किसी की शादी में, जैसे मिलता है जनरली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि शादियों में रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं जिसमें साड़ियाँ मेन होती हैं, और ये इसका पूरा पल्लू है फुल ऑन जरी वर्क वाला। सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी साड़ी, मैंने अभी तक नहीं पहनी है। तो नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी मुझे मिली थी एज अ रिटर्न गिफ्ट किसी शादी में, मुझे याद नहीं कि शादी में, बट इसके ये भी साउथ इंडियन इसमें पूरा जो है काम है, और ये मरून इसका बॉर्डर है और ये ग्रीन कलर में साड़ी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हल्का हल्का सा चेक है, प्रिंट है, और उसके ऊपर ये जो है काम किया हुआ है, और इसका पल्लू अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। ये देखिए ये इसका पल्लू है, बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये साड़ी। तो ये भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, ना ही इसका ब्लाउज सिलवाया है। और जो लास्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये साउथ इंडियन कलेक्शन में, वो है ये वाली साड़ी। बहुत ही ज्यादा रिच इसका टेक्सचर है, मुझे नहीं पता कि आई थिंक दिस इज सिल्क ओनली, और ये मैंने ली थी अपने शादी के ट्रूजो के लिए, और ये मैंने ली थी आई थिंक दिल्ली हार्ट से, और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है, डबल शेड में आता है। ये देख सकते हैं आप, इसका बॉर्डर जो है इस पर्पल कलर में है, ऑल ओवर ये सी ग्रीन साड़ी है। और एक सेकेंड, मैंने अभी तक ये पहनी भी नहीं है और ना ही इसका कोई ब्लाउज सिलवाया है, तो मुझे नहीं पता कि इसका नहीं, इसमें ऑल ओवर इस तरीके की बूटियां हैं, और आई थिंक ये वाला जो कपड़ा है ये ब्लाउज का कपड़ा है, और ये इस तरीके की बूटियां हैं, और ये इसका जो है बॉर्डर दिया हुआ है सिल्वर कलर में, आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको सिल्क में सिल्वर कलर मिलता है, ज्यादातर गोल्ड के साथ ही आती हैं साड़ियां, तो मुझे ये बहुत प्रिटी लगी। सो दिस इज रियली प्रिटी साड़ी। मैं कोई फंक्शन आएगा स्पेशल घर का ओकेजन के लिए, जैसे होता है घर की शादी, उसमें मैं ये जरूर सिलवा के पहनूंगी। तो नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी फेवरेट है, बिकॉज इसके साथ मेरी एनिवर्सरी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी की मेमोरीज जुड़ी हैं। ये साड़ी मैंने ली थी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्चुअली गिफ्ट की थी। तो हम मेरे यहाँ पर जब फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी हमारी, तो हमने एक फंक्शन किया था फैमिली मेम्बर्स का, तो तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। अगर मुझे फोटो मिली तो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। सो ये देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी कलर है इसका, और साथ में जो है इसके ऊपर इस तरीके की बूटियां हैं ऑल ओवर, और बहुत ही रिच इसका गोल्डन कलर का बॉर्डर, मोटा बॉर्डर दिया हुआ है। जॉर्जेट है इसका मटेरियल। और आपको एक बात बता दूं कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, इसीलिए ज़्यादातर जो है मैंने अपनी साड़ीज रेडीमेड कराई हुई हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक टेलर है जो साड़ियाँ स्टिच कर देता है, उसकी प्लीट्स को स्टिच कर देता है, तो आप फिर उसको बहुत ही ईजिली एज अ स्कर्ट पहन सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट जो साड़ी है वो है ये, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी पैरेट ग्रीन एंड पिंक कलर का इसका कॉम्बिनेशन है साड़ी का, और इसके इसको मैंने जो है रेडीमेड कराया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरे को अपने आप पहनने का बहुत शौक था, तो फिर इसलिए हर बारी कौन जाए पार्लर पहनने के लिए, इसलिए मैंने इसको जो है करा लिया था स्टिच। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर इसके हुक दिए हुए हैं कमर पे, जो है तीन हुक्स दिए होते हैं बांधने के लिए, और ये जो है आप देख सकते हैं इसकी प्लीट्स, ये ऑलरेडी स्टिच करी हुई हैं, तो आपको स्टिच प्लीट्स का कोई झंझट नहीं है इसमें, सिर्फ एज अ रैप अराउंड स्कर्ट आप इसको पहन लीजिए और ये अपनी जगह पे आ जाएंगी प्लीट्स आगे या साइड में, जैसे भी आप पहनते हैं। और ये इसका बहुत ही प्रिटी सा बॉर्डर है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा काम है इसमें, और ऑल ओवर इस तरीके की बूटियां हैं, ये स्टोन वर्क वाली बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत प्रिटी साड़ी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, वेरी क्लासी, ज्यादा चटक मटक नहीं है। तो या
दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. जो भी मुझे पिक्चर मिलेगी साड़ी पहने हुए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं वो इंसर्ट कर दूंगी. और ये देख सकते हैं आप, ये वन ऑफ माई वेरी 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 फेवरेट साड़ीज. आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ग्रीन, एंड इसीलिए मैंने इसको स्टिच करा लिया था. तो नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैंने पहनी थी अपने फर्स्ट करवा चौथ पे, शादी के बाद का जो फर्स्ट करवा चौथ होता है तब पहनी थी. और बहुत ही प्रिटी उसका ब्लाउज है, और रेड कलर की साड़ी है. और ये जो आप देख सकते हैं इसकी लटकन, बहुत ये भी कितनी प्रिटी है. ये भी मैं लाई थी चांदनी चौक से. मेरा सारा चूसो जो है वो चांदनी चौक से है, तो मैंने सारे जो लटकन वगैरह हैं वो भी मैंने वहीं से लिए हैं. और इस पर इतना सुंदर स्टोन वर्क है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्टोन वर्क है. प्योर ब्राइडल साड़ी है. तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ. ये है वो साड़ी. कितना अच्छा कलर है ना, रेड कलर मुझे बहुत पसंद है. और उसके ऊपर पूरा इस तरीके से ऑल ओवर स्कर्ट के ऊपर मोती का काम है. तो आप देखिए बॉर्डर कितना सुंदर है. बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही एलिगेंट. अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉर्डर, इसका पल्ला. ये है इसका पल्ला, और ये सारा जो वर्क है ये स्टोन में है, ये सारा स्टोन वर्क है. बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्लासी. आई जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ साड़ी जिसमें बॉर्डर होते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है. और ये पूरा जो है फुल काम है इसके ऊपर मोती और स्टोन का. और ये इसका बॉर्डर, सो प्रिटी. और ये भी मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, दैट इज ऑन माय फर्स्ट करवा चौथ. लेकिन ये बहुत हैवी साड़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है. तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको भी स्टिच करवा लूँगी. अच्छी है ना, कैसी लग रही है आपको? मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सो नेक्स्ट जो साड़ी है इसका कलर भी बहुत प्रिटी है, इस तरीके की पर्पल साड़ी है. और आप देखिए तो इसके जो पल्ले में है ये थोड़ा सा नेट का काम है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है ये. इसके जो पल्ले में हल्का सा नेट का काम है, तो काफ़ी अच्छा ये इफेक्ट देता है. और बहुत ही सुंदर सी साड़ी लगती है ये दिखने में. शायद अभी इसका कलर इतना अच्छे से ना आ रहा हो, बट बहुत ज़्यादा प्रिटी साड़ी है. मेरे वन ऑफ माई फेवरेट साड़ीज़ है. इनफैक्ट मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो साड़ी मेरी फेवरेट ही है. नेट वाला जो है इसका पल्लू है. और ये भी मैंने अपनी एक फ्रेंड की शादी में पहनी थी, तो पिक्चर मिलेगी तो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. सो यार दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी 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 ग्रीन एंड पर्पल साड़ी. सो नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये है, एक प्रिटी सी येलो सी साड़ी. इसमें पूरा कुंदन वर्क है, और इसका बॉर्डर जो है डार्क ब्लू कलर में दिया हुआ है. ये भी मैंने अपने एक करवा चौथ पे पहनी थी, और मैंने इसको भी रेडीमेड करवाया हुआ है. मतलब इसकी भी जो है मैंने प्लीट्स स्टिच करवा रखी हैं, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े साड़ी बांधने की, जो मुझे बहुत बेकार लगती है. एक साड़ी बांधना और दूसरा साड़ी तय करना, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट. बहुत मुश्किल होती है मुझे, और मुझे ज़रूर हमेशा किसी की हेल्प चाहिए होती है. ये मैंने इसको भी स्टिच करवाया हुआ है, इसकी प्लीट्स भी मैंने अच्छे से स्टिच करवाई हुई हैं, ताकि जिन लोगों को साड़ी बांधनी नहीं आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. तो आप ढूंढ सकते हैं अपने आसपास कोई ऐसा हो जो आपको आपकी प्लीट्स बना के दे दे साड़ी में, इस तरीके से स्कर्ट बना के दे दे. सो नेक्स्ट जो साड़ी है वो भी येलो कलर की साड़ी है, कुछ इस तरीके से येलो एंड सिल्वर. ये साड़ी मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है. इनफैक्ट इस साड़ी को लिए हुए नहीं, मेरे जब मैं ट्रूसो ले रही थी तब मैंने अपनी ये साड़ी ली थी. और इनफैक्ट मेरे पापा की पसंद है ये, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था ये वाली साड़ी ज़रूर लेनी है, और उन्होंने ऐड करवाया था मेरे ट्रूसो में इसको. और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं इस साड़ी को पहनूं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक मुझे पहनना चाहिए, क्योंकि इतनी प्रिटी साड़ी है ये. पता नहीं मैंने क्यों नहीं पहनी अभी तक. इसका कलर जो है लेमन येलो है, बिल्कुल लाइट येलो जो होता है ना, बहुत सूदिंग होता है वो वाला येलो है. थोड़ी हैवी साड़ी है, बट आई थिंक मैं अब इसको जल्दी ही पहनने वाली हूँ. ये जो है पूरा पल्लू है इसका, बहुत ही प्रिटी साड़ी है, वेरी नाइस.
तो अगली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी रेड कलर की साड़ी है, बट ये एक्चुअली मरूनिश साइज में ज़्यादा है। ये भी मैंने वन ऑफ माई करवा चौथ पे ही पहनी थी, आई थिंक सेकेंड करवा चौथ पे पहनी थी। तो ये कुछ इस तरीके का सुंदर सा रेड कलर है, ऑल ओवर इस तरीके की बूटियाँ हैं, और ये बूटी में जो है स्टोन कुंदन वर्क जो है वो दिया हुआ है, और हल्का सा ग्रीन का टच है। ये वाली साड़ी जो है मैंने बताया आपको करवा चौथ पे पहनी थी, और ये भी मैंने अपने ट्रूजो में ली थी। दो रेड साड़ीज ली थी मैंने अपने ट्रूजो में, एक मेरे हस्बैंड की साइड से दिलवाई थी और एक मेरे मम्मी पापा ने दिलवाई थी। तो इस पे इस तरीके से बॉर्डर है, हल्का सा ग्रीन टच में बॉर्डर है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसका लटकन है, चांदनी चौक से मैंने लिया था। और ये बहुत प्रिटी इसका ब्लाउज है, ये बैक है ब्लाउज की ऑल ओवर वेरी प्रिटी। तो लास्ट साड़ी जो है मेरी बहुत फेवरेट वो है ये इसका ब्लाउज है, ये ऑल ओवर इसका जो काम आप देख सकते हैं मोती का। और जब मैंने अपना ट्रूजो बनाया था तो पर्ल वर्क और स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, इसीलिए मेरी ज़्यादा साड़ियाँ जो है इसी काम में है। और इसका मैं आपको लटकन दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए वेरी 90s, बहुत ही अच्छा सा मेरे को क्यूट सा लगा था ये, ऑल पर्ल। सो या ये ब्लाउज है। और अब साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ जो कि वेरी वेरी हैवी है। ओह गॉड, ये पहनने में तो बहुत ज़्यादा ही हैवी है, बट एनीवेज ये है साड़ी, ये ऑल ओवर बॉर्डर पे इस तरीके का काम है, इसमें कटवर्क का काम है, ये मतलब अगर आप देख सकते हैं तो कटवर्क है ये। तो इसका मैं आपको पल्ला दिखाती हूँ जो कि इसका मेन हाईलाइट है, ये है इसका पल्ला जो कि पूरा कटवर्क है, ये पूरा आप देख सकते हैं मेरा हैंड सी थ्रू है इसमें, ये पूरा कटवर्क में है, बहुत ही प्रिटी साड़ी है बहुत ही ज़्यादा। और मैंने आई थिंक ये वाली साड़ी पहनी है 2-3 बार तो पहनी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा इस तरीके से इसका पल्ला आता है। और हाँ, ये सब जो साड़ियाँ मैंने स्टोर की हुई हैं जिन बैग्स में, अगर उसके लिंक आपको चाहिए तो जस्ट चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाके ले सकते हैं। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।